बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सरसाइज टू ऑफ यूनिट नंबर थ्री फ्रैक्शंस। लेट स्टार्ट स्टूडेंट, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर वन। सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फिगर्स। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है पिक्चर्स की हेल्प्स के साथ। ठीक, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, इसका मतलब ये कि 1/2 ने ना 12 से मल्टीप्लाई होना है। एक इसका हम मतलब ये भी ले सकते हैं कि हम इसको 12 टाइम 1/2 को जो है ना वो प्लस कर दें। ठीक है, और दूसरा आप ये भी ले सकते हैं, इसको सिंपल इसके साथ जो है ना वो कैंसिल कर दें। ठीक है, 2 1 2 2 6 12। ठीक है, लेकिन इधर ऐसे करने लगे हैं कि आपने इसको जो है ना वो 12 1/2 1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 टाइम्स जो है ना मैंने 1/2 लिखा। ठीक है, ये आप इसको 12 टाइम्स जो है ना वो प्लस कर रहे हैं। ठीक, तो ये नीचे आया आपके 2 और ऊपर ये 1 1 1 1 1 को प्लस किया तो आया हमारे पास 12। ठीक, ये 2 को आपने इस पे कैंसिल किया, 2 1 2 2 6 आर, और इधर आंसर आ गया आपके 6। ठीक, और अगर आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल करते ना 2 1 2 2 6 12, तो आपके पास ये आंसर 6 आना था। ठीक है, अब हमने इसको पिक्चर की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये 1/2 1/2 1/2 की जो है ना मैंने इधर 12 जो है ना वो पिक्चर्स जो है ना वो कर ली हैं, ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, ये 1/2 लिखा हुआ है कि एक पार्ट शेड है, 2 पार्ट्स और 1 पार्ट शेड, ये 1/2। ठीक है, अब इन्हीं को ही हमने काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पार्ट शेड है? 6। ठीक है, और जो इसके बराबर में आएंगी ना वो ये, हमने इनको काउंट करके ना 12 को जो है ना वो कलर्ड कर देना है। ठीक है, और जब हमने 12 जब अपने पार्ट्स को कलर किया तो हमारे पास कितने होल्स आ रहे हैं? 6 होल्स आ रहे हैं, और हमारा आंसर भी 6 है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, ये 6 होल्स हमारे पास आ रहे हैं और हमारा आंसर भी 6 होल में है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये आपके पास 5/9 को पार्ट नंबर बी में आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, 5/9 + 5/9 5/9 5/9 5/9 और 5/9। ठीक है, ये आपके पास आया 9, और 7 को आप 5 को आप 7 टाइम्स जब प्लस करेंगे तो आपके पास आता है 35। ठीक है, ये आपके पास आ गया मिक्स नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको आप लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक, ये आपने किया 9 3 = 27, और ये 15 में से आपने 7 माइनस किए तो आपके पास आ गया 8। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, ये आपने पिक्चर्स बना ली, 9 ब्लॉक्स है और जिसमें से 5 जो है ना वो कलर्ड है। ठीक है, ये 5 5 पार्ट्स जो है ना वो कलर्ड है, इनके 9 ब्लॉक है हर पिक्चर में, और उसके 5 5 जो है ना वो है, और है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसको इधर कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये आपने देखा कि अगर हम इन सब को प्लस करते हैं, ये जो 7 को 5 टाइम्स प्लस करें तो वो हमारे पास आता है 35। हमने इधर जो है ना टोटल ब्लॉक्स जो है ना वो 37 ब्लॉक्स को जो है ना वो कलर्ड कर देना। ये हमारे हो गए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक स्टूडेंट्स, ये 35 ब्लॉक्स हमारे जो है ना टोटल कलर्ड हो गए, और ये फिर किसके इक्वल हुए? ये देखे, ये 3 होल आंसर में चेक करें, ये 3 होल और इसके 8 कलर्ड है, और ये टोटल 9 थे। ठीक है,
ये देखे 8 कलर्ड आए और टोटल 9 है, ठीक है। और ये वो हमारा आंसर से ये हमारी पिक्चर टैली कर रही है, ठीक है। 3 होल और 8 कलर्ड है और टोटल 9, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर बी इज आल्सो सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, इधर है 6/7 को आपने 3 टाइम्स जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपने किया 6 + 6 = 12 और +6 = 18, ये 18/7 आ गया, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, आप इसको जो है ना उसमें हो मिक्स नंबर में लिख लें, 7 × 2 = 14 और जो है ना वो 4 आपके पास आया, ठीक। ये आपके पास आंसर आया। अब आपके पास पिक्चर थी जिसमें आपके जो है ना वो 6 जो है ना वो कलर्ड है 7 में से, ठीक है। 2 आपके पास जो है ना वो होल कलर्ड हो गए। आप अपनी पिक्चर से भी करके इसको देख सकते हैं, अपने आंसर से भी टैली करके ही पिक्चर्स बना सकते हैं, और इधर से भी काउंट करके देखें, ये पूरे 18 ब्लॉक्स हैं ना जो कलर्ड है, और आपने इधर 18 को कलर्ड करना, 7 और ये 7, टोटल हो गए 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये 2 होल और 4/7, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर डी, ये 3/4 को आपने जो है ना वो 4 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई करना, ऐसे 4 से 3 आंसर, ठीक है। ये 3 × 4 = 12 और ये आया, और इसको कैंसिल किया तो आपके पास 3 आंसर, ठीक है। ये देखिए इधर हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी जो है ना वो हमारे पास 4 में से जो है ना वो, ये देखिए हर ब्लॉक का जो है ना वो 12 जो है ना वो कलर्ड आ रहे। और इधर जब हम करेंगे 4 8 और 9 12, ये 3 होल हमारे पास कलर्ड आ गए, और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई, इसको भी हम 5 टाइम्स लिख लेंगे, और आपको पता है 2 को 5 टाइम्स प्लस करें तो वो आता है हमारे पास 10 10/3, और ये 3 3 = 9 और ये 1, ये हमने जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में लिख लिया, ठीक है। ये 3/1/3 आ गया। ये टोटल हमारे पास 10 कलर्ड है, ये हमारी पिक्चर के मुताबिक 2 कलर्ड है और ये टोटल 3 की, ठीक है। ये हमारे पास 5 थे, ठीक है। ये 10 कलर्ड है, अब हम इधर से 10 ब्लॉक कर लेंगे कलर्ड, 3 6 9 और 1 ये 10, ठीक है। और आप अपने आंसर से इस पिक्चर को टैली भी कर लें, 3 होल और 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर एफ, 5/6 5/6, हाँ जी, इनको जो है ना अब आपने 9 टाइम्स लिख लिया, इनको अब आप 5 को आप 9 टाइम्स प्लस करें या 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 45/6, ठीक है। इस वैल्यू को जो है ना आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आई है, आप होल नंबर में कर लें, मिक्स नंबर में लिख लें, ठीक है। इधर 6 है, ठीक है, 6 7 = 42, ठीक है। और ये माइनस किया है, हमारे पास 3 आया, ठीक है। 7 होल है हमारे पास, और जो है ना ये 6, ये ठीक, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब इधर जो है ना ये आपने कलर्ड, ये 5 6 में से जो है ना वो 5 कलर्ड है, ठीक। ईच ब्लॉक 6 का है और उसमें से जो है ना वो 5 हमारे जो है ना वो कलर्ड है, ठीक है। और ये टोटल हमारे पास बन गए हुए हैं 45। अब इधर जो है ना हमने 45 ब्लॉक्स को जो है ना वो कलर्ड कर देना,
ठीक है, ये 6, 12, 18, 24, 36, 42 और 43, 44 और 45। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब आप देख लें, 7 होल आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 होल और इसमें से 3 कलर्ड है और टोटल 6 का। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अल्लाह हाफिज़।